वो क्या होता है कि टाइम बीइंग जिस तरह का वातावरण हमारे विपक्ष के लोगों ने, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार का पार्ट हूँ, और उन्होंने एक माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया था जिसमें तथ्य नहीं थे कि संविधान बदल रहे हैं, आरक्षण बंद कर रहे हैं, उत्पीड़न होने जा रही है, सामाजिक न्याय नहीं होगा, आधारहीन है, और इस तरह का झूठा प्रचार करने से निश्चित है कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह का हमारा एक वातावरण हुआ, उस वातावरण से माहौल एक वैमनस्यता बढ़ी। लेकिन सरकार ने जिस भावना से और सकारात्मक दृष्टिकोण की, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, डिसीजन की जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई उसको एक सद्भावना से लेते हुए उसके सजेशन आने चाहिए थे, लेकिन राजनीतिक रूप देने से उसका उग्र हुआ। लेकिन उसके बाद में माहौल बहुत अच्छा है। आज भी जिस तरह के 2014 के अंदर हमारे देश के लिए उन्होंने जो समर्थन दिया, 2013 में राजस्थान प्रदेश में जिस समाज ने दिया, आज वो और भी अधिक मुझे उम्मीद है कि हमें समर्थन मिलेगा, इसमें दोराय नहीं, क्योंकि हमने विकास का कार्य तो उनके लिए किया ही किया है, लेकिन एक सामाजिक समरसता के लिए भी हमने बहुत प्रयास किए है कि बीजेपी सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे विपक्ष तो कोई है ही नहीं। माहौल एक है कि वो झूठ के आधार पर कर रहे हैं तो उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में क्या हमारे पूरे देश के अंदर एक के बाद चुनाव हुए, विधानसभाएं उनकी जाती रही, आज 19 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है, और यहाँ पर राजस्थान में तो उनको कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, जिस तरह का कार्य नहीं हुआ, आज हमने जो कार्य हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, महिला है और पुरुष है, इसके साथ में युवा है, उनके लिए जो कार्य किए हैं उसके आगे सारे के सारे प्रदेश के लोग हमें बड़े उत्साह के साथ में, आपने हमारे आयोजन देखे होंगे, अभी रायशुमारी ली है, जो उत्साह था लोगों के अंदर टिकट लेते समय रायशुमारी, तो उससे लगता है क्योंकि हमारा संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी का रीढ़ की हड्डी के रूप में, और वो बड़ा समर्पित भावना से काम करता है, निश्चित है कि हम 180 के लक्ष्य को प्राप्त करें।